हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सार्टेनिस्टी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे कल के और आज के करंट अफेयर्स के बारे में, यानी 5 सितंबर और 6 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। ऑल सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, सभी क्वेश्चन क्या है कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सिलेक्टेड है। तो जो लोग कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब देखिए, कल आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाई थी 5 सितंबर वाली, तो 5 सितंबर और आज के वीडियो को मिक्स करके जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसे देखेंगे, ठीक है। तो जैसे चलते हैं क्वेश्चनों पर। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योशीहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है, ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं। मतलब योशीहिदे सुगा ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने घोषणा कर दी अपने पद से इस्तीफा देने की। तो देखिए, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ये जापान के हैं, ठीक है, जापान देश के हैं। अब देखिए, बात करते हैं जापान के बारे में, बात हो रही है तो जापान के बारे में बात कर लेते हैं। तो जापान की राजधानी क्या होती है, कैपिटल टोक्यो, ठीक है। और अगर बात करें कि जापान किस नदी के किनारे स्थित है, तो देखिए सुमिदा नदी के किनारे, ठीक है, सुमिदा नदी के किनारे, सुमिदा नदी। यही बात करें अगर जापान की करेंसी की, तो ये क्या है, तो जापानी येन है, ठीक है, येन। और देखिए, जो जापान है उसके जो अम्बेसडर हैं, भारतीय जो भारतीय राजदूत हैं, ठीक है, अम्बेसडर हैं, वो कौन है, तो देखिए जो राजदूत हैं यानी अम्बेसडर हैं, तो ये हमारे संजय कुमार वर्मा जी हैं, ठीक है, संजय कुमार वर्मा, ठीक है, संजय कुमार वर्मा को याद रखेंगे। अब देखिए, बात करते हैं जापान की जो जो हमारी संसद है, ठीक है, संसद को क्या कहते हैं जापान की, तो इसे कहते हैं डाइट, ठीक है, इसे डाइट कहते हैं। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से जितना भी पॉइंट बता दिए हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या करेंगे, और जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो योशीहिदे सुगा, जिन्होंने क्या कर दिया है, इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। लेकिन अभी क्या है, अभी यही प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है। अब ये कब तक देंगे, कोई घोषणा तो कर दी है, कोई टाइमिंग नहीं, ठीक है, तो ये कब दे देंगे। तो देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह का ध्वजवाहक बनाया गया, किसे बनाया गया है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, तो देखिए अवनी लेखरा को बनाया गया है, अवनी लेखरा, ठीक है, ये एक शूटर हैं, ठीक है, शूटर। और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो राजस्थान से, कहाँ से, तो राजस्थान से ये बिलोंग करती हैं, ठीक है, राजस्थान से। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि अवनी लेखरा क्या है, ध्वजवाहक बनाई, ध्वजवाहक के रूप में जो समापन समारोह हुआ, क्योंकि अब देखिए टोक्यो पैरालंपिक समाप्त हो गया है, ठीक है, जिस प्रकार से हमारा जो ओलंपिक है वो भी समाप्त हो गया था 8 अगस्त, ठीक है, 7 से 8 अगस्त को। अब देखिए, बात कर लेते हैं जो टोक्यो पैरालंपिक है, तो टोक्यो पैरालंपिक सबसे पहले कहाँ और कब खेला गया था, तो ये भी पूछ लेता है जीके रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले सन 1960 में टोक्यो पैरालंपिक खेला गया था, और कहाँ पर, तो देखिए इटली में, ठीक है, इटली यानी रोम भी कह सकते हैं। अब अगर बात करें, ये तो अंतिम समारोह जो अंतिम मतलब समाप्त हुआ टोक्यो पैरालंपिक, वो तो ध्वजवाहक के रूप में समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में बनाया गया अवनी लेखरा को। लेकिन अगर बात करें जब शुरुआत हुई थी, उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटन, ठीक है, तो उद्घाटन किसने किया, तो देखिए उद्घाटन जो टेक चंद थे, ठीक है, मैंने बताया भी था टेक चंद, कौन, देखिए टेक चंद, ठीक है, टेक चंद ने इसका उद्घाटन किया था। और अंतिम समारोह किसने किया, तो अवनी लेखरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पहले एशियाई सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं, तो कौन बने हैं, देखिए मायने रखता है 150 मिलियन फॉलोअर्स, ठीक है, तो कौन बने हैं, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, विराट कोहली, विराट कोहली ही बने हैं। अभी इन्होंने सबसे ज़्यादा रन भी बनाया था, ठीक है, तो अब इन्हें याद भी रखेंगे, ठीक है, ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, तो अब याद रखेंगे इनको। 150 फॉलोअर्स इनके इंस्टाग्राम पर, किस पर, इंस्टाग्राम पर, ठीक है, देखिए इंस्टाग्राम पर इनके 150 जो फॉलोअर्स हैं वो हो चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक के भाला फेंक में किस विजेता ने कांस्य पदक जीत लिया है, तो किस विजेता ने जीता है, तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा देखिए जो गुर्जर हैं, ठीक है, सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने ही क्या किया है,
इस कांस्य पदक को जीत लिया है, ठीक है, सुंदर सिंह गुर्जर ने। अब देखिए बात करते हैं कि ऑप्शन बी की, सुमित अंतिल। तो सुमित अंतिल ने क्या किया था, क्या जीता था, तो वर्ल्ड गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? भाला फेंक में। जो भाला फेंक का कौन फेंकते हैं? जो थ्रोवर होते हैं, ठीक है, जो जैवलिन थ्रोवर होते हैं यानी भाला फेंकने वाले। और इन्होंने तो कांस्य पदक जीता और सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता। अब यही बात करते हैं ऑप्शन सी की, यानी देवेंद्र झाझरिया। तो ये क्या जीत, कौन सा पदक जीते? तो देखिए ये रजत पदक जीते, रजत पदक। किसमें? तो भाला फेंक में, ठीक है, तीनों ही भाला फेंक के से संबंधित हैं, भाला फेंक। तो याद रखेंगे इसे, इस क्वेश्चन से इतना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में संसार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ओमकारेश्वर में। विश्व का यानी इस संसार यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये जो पार्क है सबसे बड़ा है, ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पार्क। तो ओमकारेश्वर में ये बनाया जा रहा है और ये तैयार अभी नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो भी सबसे बड़ा बनाया जा रहा है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से ओमकारेश्वर का, ठीक है, ओमकारेश्वर को। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में विश्व चैरिटी दिवस यानी वर्ल्ड चैरिटी डे, ठीक है, ये कब मनाया गया है? तो ये देखिए 5 सितंबर को ही मनाया गया है। और देखिए जो हमारा विश्व चैरिटी दिवस है ये किसके उपलक्ष्य यानी किसके वर्षगांठ के दिन मनाया जाता है, किस महा जो हमारा देखिए किसके मतलब जो निधन हुआ था उनके दिवस पर ही ये मनाया जाता है या दिवस, ठीक है। अब देखिए कौन थी वो, तो देखिए मदर टेरेसा। कौन? मदर टेरेसा जो हैं, मदर टेरेसा, इनके जो इनका देखिए 5 तारीख को यानी 5 सितंबर को ही निधन हो गया था, 5 सितंबर को ही। अब इनका जब 5 सितंबर को निधन हुआ था तो इनको चिन्हित करने के लिए 5 सितंबर को ही विश्व चैरिटी दिवस मनाया जाता है। अब कब हुआ था, कहां पर हुआ था, पूछ लेता है ए बी क्वेश्चन में, तो कलकत्ता में इनका निधन हुआ था, कलकत्ता में। किसका? तो मदर टेरेसा का। तो इस इनको चिन्हित करने के लिए ही यह दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।